आज के इवेंट के हवाले से बताएगा, जैसे कि आज टू थर्ड मेजोरिटी के साथ जरदारी साहब को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए आज खुशी का दिन है और गरीब और महकूम कौमों के लिए खुशी का दिन है कि आज पाकिस्तान में एक सिविलियन सदर दूसरी दफ़ा मुंतखब हुआ है। मैं समझता हूँ जो उसने आवाम को इख्तियार दिए, उसने पार्लियामेंट को इख्तियार दिए, आज तमाम सूबों की पार्लियामेंटों ने मुंतखब उनको किया है, सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, पंजाब के अंदर, सरहद के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी विक्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और आईने पाकिस्तान आज शुरू हुआ है, जिसने आज दूसरी दफ़ा सिविलियन को पाकिस्तान का सदर बनाया। और हम तमाम दोस्त आसफ अली जरदारी और पाकिस्तानी आवाम को और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुबारकबाद पेश करते हैं कि कारकुनों की कुर्बानियाँ रंग लेके आई हैं और फिर एक दफ़ा आईनी अहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और इंशाल्लाह ताला वो वफाक को मजबूत करने के लिए अपना अहम किरदार। बलोचिस्तान के नतीजे बहुत ही हैरान करने वाले हैं। देखिए, लोगों ने जो कौम परस्त की आदत थी, जो कौम परस्त लोग थे, जो इलाकाई सियासत करते थे, उनको आज दफन कर दिया बलोचिस्तान के अंदर। जो बलोचिस्तान कार्ड को इस्तेमाल करते थे, आसफ अली जरदारी ने साबित किया कि वो बलोचों का सदर है और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का भी सदर है।